दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान में यह भरतपुर जिला है, जयपुर जाना हो रहा है। तो बीच में आप देख रहे हैं हरे भरे खेत हैं, बारिश हो रही है और एक्सप्रेसवे के सहारे ये मधुमक्खी पालन हो रहा है। मेरे साथ जो खड़े हैं हरिशंकर जी, भरतपुर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 7 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। दोस्तों इस व्यवसाय में क्या मुनाफा है, कैसे मधुमक्खी पालन करते हैं, किस तरह से आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं और किस तरह से सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, और शहद को सब जानते हैं, शहद का अच्छा बाज़ार है, बाबा रामदेव भी शहद बेच रहे हैं और तमाम कंपनियां शहद बेच रही हैं, डावर का हनी जो आप सभी बच्चे और घर में देखते ही देखते हैं, लेकिन डावर का जो हनी आप देखते हैं दोस्तों, वो हनी इन खेतों में प्राकृतिक ढंग से तैयार होता है। और उस हनी को तैयार करने में हरिशंकर जैसे भाई जो हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। असल में इन खेतों में फूलों से, फलों के रस से ये शहद, प्राकृतिक शहद तैयार होता है। बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ उड़ रही हैं, आप देख भी रहे हैं, और ये जो बॉक्स है, ये जो डिब्बा है, इसे आपको देख रहे हैं, इसमें मधुमक्खी पल रही हैं। ये मधुमक्खियों का घर है और आप देख सकते हैं, आप इनको निकलने का रास्ता आप देख सकते हैं। ये जो बॉक्स है और इसमें ये मधुमक्खी पल रही हैं, ये जाने का रास्ता है और आप ये खोल के दिखाएंगे, इस तरह से मधुमक्खी इसमें हैं और ये शहद के छत्ते तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं, और शहद बनता है, फिर इसके बाद इस शहद को निकाला जाता है और फिर वह बाज़ार जाता है। दोस्तों अब इसकी जो व्यवसाय है मधुमक्खी पालन का, इसकी पूरी जानकारी करते हैं, पड़ताल करते हैं, क्या इसके मुनाफे हैं, क्या लाभ हैं और किस तरह से आप रोज़गार घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हरिशंकर जी, आप तो कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर का। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? 7 साल से। 7 साल से कर रहे हैं, तो कितने डिब्बे हैं, कितने आप मधुमक्खी के आपके पास बॉक्स? ये हमारे 2 फार्म है। अच्छा, 2 फार्म है। 500 बॉक्स हैं। अच्छा, 500 बॉक्स हैं, तो ये इनसे कितने बार एक साल में शहद लेते हैं आप? करीब 8 बार। 8 बार शहद ले लेते हैं एक साल में? जी। अच्छा अच्छा, तो ये शहद में जो इसमें मक्खियाँ पल रही हैं, तो इसमें ये अंदर छत्ते बनते हैं शहद के? हाँ, मोमी छत्ते। अच्छा, मोमी छत्ते बनते हैं। अच्छा, तो एक दो कितने दिन में छत्ता तैयार हो जाता है? ये सरसों के सीजन में छत्ते बनाए जाते हैं, बाजरा के सीजन में बनाए जाते हैं। अच्छा। बरसात के टाइम में सरसों के शहद मिलता है और तुम्हारे ये सफेदा का है, तिली का है। अच्छा, अब इसमें हमें ये मक्खियाँ खाएंगी नहीं हमको क्या? नहीं खाएंगी। अच्छा अच्छा, एक खोल के दिखाओ किस तरह से छत्ते किस तरह से बनते हैं, जरा ये बता दिखाइए। इसी डिब्बे को हम देख रहे हैं आपके, को ये ऊपर से ढक रखा है आपने और ये बोरी टाट का ये बोरा लगा रखा है और ये छत्ते बन रहे हैं जी इसमें इस समय? अच्छा, कुछ मधुमक्खियाँ नाराज हो रही हैं, बिगड़ रही हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ये छत्ते पॉलिथीन की पन्नी क्यों लगा रखी है आपने इसमें? फीडिंग कराते हैं ना। अच्छा अच्छा, मौसम खराब है, चीनी खिलाते हैं। अच्छा, चीनी रख देते हैं और चीनी, जब चीनी पे पलती हैं और चीनी इनको चाहिए होती है, खुराक है, और उसके बाद इसमें छत्ते बनते हैं। हाँ जी। अच्छा, शहद से बनते हैं ये, क्या है मौसम खराब है, खाने के लिए दे रहे हैं इसके लिए। अच्छा, इस समय फल नहीं है, फूल नहीं है, तो इनको खुराक के लिए जो है वो चाहिए। जी जी। चलिए बंद कर दीजिए इसको भाई साहब, देखिए आप देख सकते हैं कितना खतरा भरा काम है यहाँ मधुमक्खियों के बीच में वीडियो बनाना, और ये मधुमक्खियाँ हमारा पीछा कर रही हैं आप देख सकते हैं, और ये क्योंकि बड़ा तो हरिशंकर जी, आप जो एक साल में कितनी बार शहद लेते हैं इनसे? 8 बार। 8 बार लेते हैं, तो एक बक्सा जो है, एक बक्सा से कितना शहद मिलता है? करीब करीब मिल जाता है 5 किलो 7 किलो। 5 किलो या 7 किलो? अच्छा अच्छा, कितने बक्से हैं आपके पास? 500 बक्से हैं, तो 500 बक्से में आपका हो गया 5×7=35, यानी 35,000 किलो शहद। और इसे बेचते कहाँ हैं आप? कंपनी में देते हैं भरतपुर ब्रजनी। अच्छा, एक कंपनी भरतपुर में है। हाँ। क्या भाव बिक जाता है आपका वहाँ पर? 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। अच्छा, जो भाव रहता है उसके भाव के हिसाब से बनता है। तो इसको ये वहाँ, इसको साफ शुद्ध तो वहाँ, रिसाइकलिंग तो वहाँ होगी, प्रोसेसिंग प्लांट है। अच्छा अच्छा, वहाँ 140 के हिसाब से आपको? 140 है, 150। तो इन 500 जो आपके डिब्बे हैं, इनसे आप साल भर में कितनी आमदनी का शहद बेच लेते, कितने पैसे कमा लेते हैं? अब ये लगा लो तुम के खर्चा पानी काट के हम करीब 15-16 लाख रुपये। 15-16 लाख रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, आपको इन 500 जो डिब्बे हैं, इनको तैयार करने में, इनके लिए मधुमक्खी तैयार करने में कितना जो है खर्चा, कितना आ जाता है? खर्चा ये 600 रुपए का खाली बॉक्स है।
अच्छा अच्छा 300 रुपये फ्रेम की मक्खी है। अच्छा 300 रुपये की मक्खी, एक 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 बॉक्स के अंदर 10 फ्रेम होते हैं। अच्छा 10 फ्रेम है, एक तो 300 रुपये की मक्खी होगी। एक फ्रेम की कीमत 300 रुपये है। अच्छा 300, अच्छा अच्छा 10 फ्रेमों की कीमत 3000। 3000 यानी कि एक बक्सा कितने पैसे का हो गया? 3600 रुपये का बक्सा हो गया। तो ये तो एक बार कई साल तक काम करता होगा फिर? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, कितने साल तक काम कर जाता है ये? करीब 4-5 साल निकाल। अच्छा ये कई बार मौसम डाउन रहता है, उससे फलू नहीं होते, फूल नहीं होते, तो इस ऐसे में मधुमक्खियों को खुराक देना कितना महंगा पड़ता है, कितना खर्चा हो जाता है? चीनी नहीं खिलाते बरसात के टाइम पे, या फूल पत्ती नहीं होती है। तो कितना कितनी कितनी चीनी आप जो है एक डिब्बे, आधा किलो एक डिब्बे के लिए? कितने दिन के लिए? तीसरे दिन, तीन दिन में चल जाती है आधा किलो चीनी एक डिब्बे के लिए। तो कुल मिला के ये है कि पूरी साल में जो तुम्हारा खर्चा है इसमें, इन 500 डिब्बों की मधुमक्खियों को रखने का, वो कितना हो जाता है? ये लगा लो करीब करीब 10-12 लाख रुपए। 10-12 लाख रुपए हो जाता है खर्चा, और कमाई तुम्हारी 15 लाख की। 15 लाख की, तो 3-4 लाख आमदनी हो रही है बस? नहीं, 15 लाख की बचत हो जाती। बचत हो जाती है, यानी 12 लाख इनको देने के बावजूद। और कितने लोग आप इसको 500 डिब्बों की देखभाल करते हैं? 7 आदमी। अच्छा 7 आदमी तुम्हारे यहाँ रहते हैं। अच्छा कुल मिला के मुनाफा, कोई सब्सिडी और सरकार से कोई सहायता वगैरह मिलती है? कैसे, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है ये सब्सिडी? वो कितनी मिलती है? ये करीब 38% के करीब मिलती है। 38% सब्सिडी मिल जाती है, तो कैसे करना होता है उसके लिए? ये खादी ग्राम उद्योग से। अच्छा खादी ग्राम उद्योग से इसके लिए सब्सिडी मिलती है। अच्छा ये डिब्बों को तुम रखते हो और तो तुम्हारा कुछ खर्चा होता नहीं है, प्रकृति से ये तो नेचुरल शहद है। नहीं, गर्मियों के सीजन, उस सीजन ऑफ हो जाता है जब चीनी खिलाते हैं बरसात के टाइम पर। अच्छा बरसात समय चीनी खिलाते हैं, और इस समय आपने ये तिली है, बाजरा है, तिली बाजरा के खेतों के बीच रख रखी है जी। तो ये कुछ फायदा हो रहा है इसे रखने? हाँ, इससे आ रहा है शहद, आ रहा है। इनसे पत्तों से शहद आ रहा है? नहीं, फूल से आ रहा है। फूल से शहद आ रहा है, तो मैं पता लग जाता है कि शहद कैसे आ रहा है? मालूम पड़ती है, चेक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि उसमें शहद बन रहा कि नहीं बन रहा जी। अच्छा अच्छा, और भी कोई विशेष एहतियात कोई करना चाहे इस काम को तो कोई जानकारी देना चाहिए? बहुत फायदा है। अच्छा ये आपने इसमें ये शहद इसमें निकाल के रखते हैं? हाँ नहीं, ये मशीन है शहद निकालने वाली। अच्छा, शहद निकालने की मशीन है। ये क्या ट्रे बना रखी है आपने? हाँ, ये छत्ते ले जाने लाने के लिए। अच्छा अच्छा, ये छत्ते ले जाने, और ये बहुत सारे आपने छत्ते रख रखे हैं? खाली छत्ते, छत्ते बनाए जाएंगे। अच्छा खाली खाली छत्ते इस तरह से ये आपने, हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे हम देख रहे हैं, सारा सामान इनके पास है, पूरा प्रोजेक्ट है, गांव देहात का ये व्यवसाय है। आप देख सकते हैं तैयारी कर रखी है, यदि आपको सही तरीके से अनुभव हो तो आप अच्छा यानी 500 डिब्बे से ही 15 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और भाई अपना एक नंबर, मोबाइल नंबर बताओ, क्या नंबर है आपके? 9649-22-53-90। अच्छा, तो 9649-22-53-90 नंबर है हरिशंकर जी का, जो इस काम में लगे हुए हैं। और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और देखते रहें खेती किसानी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ नमस्कार।